नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। डिश टीवी शेयर के एनालिसिस करेंगे, टीवी 18 शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ क्या है और नेटवर्क 18 स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। तो आज दोस्तों हमने शेयर एनालिसिस करने के लिए मीडिया सेक्टर को चूज़ किया है और इन चार बेहतरीन मीडिया सेक्टर शेयर को हमने चुना है। साथ ही दोस्तों पता करेंगे कि बेस्ट मीडिया शेयर कौन सा होगा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अगले 3 महीने के लिए। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हमने डिफरेंट एंगल से एनालिसिस करते हैं और न्यूज़ के माध्यम से कॉम्बिनेशन से हम लोग पता करते हैं कि क्या टारगेट प्राइस होगा, क्या बाइंग लेवल होंगे, क्या स्टॉप लॉस होगा। तो हम लोग वीडियो के अंत में सारा चीज़ें बताते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं और अगर आप डीमैट अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जी इंटरटेनमेंट शेयर की बहुत बड़ी न्यूज़ आज निकल के आ रही है, लेटेस्ट न्यूज़ है और काफ़ी ताज़ा न्यूज़ है। तो दोस्तों क्या न्यूज़ है, ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट IT इज़ कंडक्टिंग ए सर्च एंड सर्वे एट 15 लोकेशंस ऑफ जी इंटरटेनमेंट। The searches are based on the electric tax evasion data submitted by the Directorate General of GST Intelligence to the IT Department. तो दोस्तों जी इंटरटेनमेंट की बहुत ही बैड न्यूज़ निकल के आ रही है कि इनके यहाँ जो रेड पड़ी है IT डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और एलिगेशंस लगे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने टैक्स में कुछ चेंजेस किए हैं। The officials from the tax department have visited the offices of the company with the certain queries. The concerned officials of the company are providing all the required information and extending complete cooperation. तो कंपनी ने कंप्लीट कोऑपरेशन के लिए कहा है, तो इसीलिए आज शेयर बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं दिखा। और चूँकि बैड न्यूज़ है तो कह सकते थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, बट जिस तरह से कंपनी कॉपरेट कर रही है एंड स्पोक्स पर्सन फॉर जी इंटरटेनमेंट सेड दैट दे विल कॉपरेट कम्प्लीटली कॉपरेट, तो डेफिनेटली दोस्तों बैड न्यूज़ होने के बावजूद भी इस शेयर में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इस शेयर के क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं और क्या हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो जी इंटरटेनमेंट का सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करें। तो आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे कि टोटल इनकम जो है ये मार्च 2020 में, दिसंबर 2019 में, सितंबर 2019 में, वहाँ से देखें तो काफ़ी कम हुई। लेकिन जो दोस्तों है इनकम की ग्रोथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो जून से सितंबर में डेफिनेटली ग्रो किया। और साथ ही दोस्तों अगर एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस भी ऑलरेडी ग्रो किए। तो प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर हम प्रीवियसली इग्नोर कर दें तो मार्च 2020 से लेके जून 2020 देन सितंबर 2020, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इंक्रीजिंग। तो 200% इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो डेफिनेटली दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ है। और साथ ही साथ एप्टा जो है ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि रिजल्ट इनका अच्छा आएगा। और इस बेसिस पे कहें तो कोरोना का अब जो टाइम था वो भी कम हो गया और जिस हिसाब से एड इंक्रीज कर रहे हैं टीवी इंटरटेनमेंट में, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा जाएगा, पिछले भी क्वार्टर से अच्छा जाएगा। नाउ हम डिश टीवी का स्टॉक एनालिसिस करें। तो डिश टीवी का अगर आप देखिए तो प्रॉफिट दोस्तों एक ठीक ठाक देखिए तो प्रॉफिट एबिटा भी डिक्रीज किया है जून से सितंबर में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज किया। और डेफिनेटली दोस्तों अगर हम पिछले देखें तो पिछले कई क्वार्टर से नेगेटिव प्रॉफिट हो रहा था, उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कहें तो लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज किया रिजल्ट, तो डेफिनेटली थोड़ा सा कंसर्निंग है। और साथ ही दोस्तों इसके सब्सक्राइबर भी थोड़े कम हो रहे हैं, तो ये भी एक कंसर्निंग, तो इस वजह से डिश टीवी का शेयर मूव नहीं कर पा रहा है। तीसरी दोस्तों टीवी 18 का स्टॉक एनालिसिस करें तो बेहतरीन रिजल्ट आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस देखिए, खास करके तब से जब से रिलायंस ने एक्वायर किया है। तो टीवी 18 और नेटवर्क 18 के शेयर को कह सकते हैं कि रिलायंस ने एक्वायर किया
और वहाँ से आप देखिए तो लगातार बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखिए तो 644% इंक्रीज, और साथ ही एबिटा भी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर रहा है और इनकम भी इनकी काफ़ी इंक्रीज कर रही है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर रहा है। साथ ही नेटवर्क 18 का देखें तो नेटवर्क 18 का भी ज़बरदस्त प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो अगर आप चारों शेयरों में देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो बेहतर आने की उम्मीद है, सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स आएंगे नेटवर्क 18 और टीवी 18 के रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। साथ ही दोस्तों अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करिए इन चारों शेयर का कि इनमें से बेहतर परफॉर्मेंस किसने दिया अगर पास्ट 3 मंथ में, तो पास्ट 3 मंथ में देखिए तो जी का शेयर उतना नहीं चला। सबसे बढ़िया जो शेयर चला वो नेटवर्क 18 का शेयर चला। तो अगर हम चारों शेयरों में देखें तो चारों शेयरों में से किसी एक को चूज करना हो कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ निफ्टी, तो निफ्टी जिस हिसाब से मूवमेंट दे रहा है और सेंसेक्स की ग्रीन लाइन देखिए, हालांकि चारों ही शेयरों ने सेंसेक्स जिस हिसाब से मूव किया उस हिसाब से मूवमेंट नहीं आया, लेकिन उन सब में सबसे बेहतर जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क 18 का है। तो नेटवर्क 18 का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, 52 वीक से ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। तो अगर हम शेयर एनालिसिस करें निफ्टी डेटा पे तो दोस्तों देखिए आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 36 रुपये का करंट प्राइस है नेटवर्क 18 का और 52 वीक हाई 50 है। तो 52 वीक हाई जो लगाया था उससे अभी काफ़ी करेक्शंस इसने दिखा दिए और ये शेयर काफ़ी कंसोलिडेशन जोन में है। एक 34 रुपये से लेके 38-40 रुपये तक एक कंसोलिडेशन जोन है। जिस दिन भी दोस्तों 40 रुपये पार करेगा इसमें अच्छे खासे अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेंगे। साथ ही टीवी 18 का भी शेयर एक 28 से 33 की रेंज में ही रेंज बाउंड रहा है। और डिश टीवी का शेयर देखिए तो देखा जाए तो 3 टाइम्स हो चुका है और 52 वीक लो से, और साथ ही जी इंटरटेनमेंट का अगर शेयर देखें तो वो भी डबल हो चुका है। तो डबल तो सारे शेयर हो चुके हैं, तो जी इंटरटेनमेंट में अभी और भी पोटेंशियल है, अपसाइड जा सकता है और साथ ही नेटवर्क 18 और टीवी 18 में भी अच्छा पोटेंशियल है। तो अगर हम टीवी 18 की शेयर एनालिसिस करें दोस्तों, तो अगर डिश टीवी की सॉरी, तो वहाँ पे अगर शेयर एनालिसिस करते हैं तो 45 RSI इंडिकेट कर रहा है कि ना ही ओवर बॉट है ना ही ओवर सोल्ड है, न्यूट्रल है। तो जब तक ये 12 रुपये 50 पैसे का लेवल नहीं ब्रीच करेगा दोस्तों, इस लेवल को अहम सपोर्ट है। अगर आप 12 रुपये 50 पैसे का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करेगा तब तक इसमें कोई भी कमजोरी के संकेत नहीं है और ऊपर की तरफ लगभग 15 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक चार्ट। साथ ही दोस्तों अगर हम जी लिमिटेड का शेयर एनालिसिस करें तो 219 के आसपास है और यहाँ से देखिए 234 से डाउन ट्रेंड लगा और वहाँ से एग्जैक्ट यहाँ पे कट भी किया है MACD ने, तो डाउन ट्रेंड सुपर ट्रेंड लगा और यहाँ से देखिए तो कंसोलिडेशन जेल में काफ़ी दिन बिता चुका है शेयर, लगभग 1 महीने इसी रेंज में घूम रहा है। तो अगर आप 3 महीने का एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपको बॉटम लाइन यहाँ लगभग 200 के आसपास की बनती, वहाँ तक ये शेयर जा सकता है और अपसाइड जो है 235-240 तक का मोमेंटम दिखा सकता है। और जिस हिसाब से वॉल्यूम में सेलिंग हुई है अभी आजकल में, तो उस हिसाब से देखिए तो काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड मोमेंटम आने चाहिए, तो खास करके न्यूज़ भी थोड़ी बैड न्यूज़ है तो कह सकते थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है इसमें। अभी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का देखें तो उसमें 32 रुपये 70 पैसे का जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा तब तक इसमें अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेंगे, ये भी कंसोलिडेशन जोन में है और लगभग नीचे के रेंज में 29 रुपीज़ और ऊपर के रेंज में लगभग 33 रुपीज़, तो उसी रेंज बाउंड में घूम रहा है। न्यूट्रल RSI इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग मोड में आप खरीद सकते हैं इस शेयर को। अगर आप नेटवर्क 18 का देखिए दोस्तों, तो नेटवर्क 18 का भी 35 रुपये 30 पैसे से अप ट्रेंड लगा है और वहाँ से ये शेयर काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। तो 35 रुपये 30 पैसे को अगर स्टॉप लॉस मान के करें तो ऊपर की तरफ हमें 40 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे शेयर टारगेट प्राइस फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ क्वार्टरली अगर रिजल्ट्स की बात करें तो नेटवर्क 18 और टीवी 18 के रिजल्ट बहुत ही अच्छे उम्मीद है आने के। साथ ही दोस्तों अगर हम देखें कि प्राइस मूवमेंट में तो 52 वीक से नेटवर्क 18 काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो इन चारों शेयरों में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है 3 मंथ के लिए तो वो नेटवर्क 18 या टीवी 18 के शेयर को चूज करें, बेहतर है नेटवर्क 18 के शेयर को चूज करें। नेटवर्क 18 में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर बाइंग लेवल आपको 33 के आसपास मिल जाए वेल एंड गुड,
अदरवाइज करंट लेवल पे भी बाई कर लेंगे अगर 35 रुपये के आसपास भी, तो आपको टारगेट प्राइस 40 के लगभग 15 से 20% के रिटर्न 3 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 30 रुपये का लगाना है। साथ ही दोस्तों सेकंड प्रेफरेंस हमारी जी इंटरटेनमेंट होगी, क्योंकि जब भी मूवमेंट करता है तो काफ़ी मूवमेंट कर, लेकिन दोस्तों ये सेकंड प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी काफ़ी ऊपर है और निफ्टी लिस्टेड शेयर है, तो जी इंटरटेनमेंट में काफ़ी करेक्शंस आ सकते हैं और न्यूज़ भी अच्छी नहीं है, तो बाइंग लेवल 195 के अराउंड आपको बाई करना है, तब टारगेट प्राइस आपको 235 पे करना है और स्टॉप लॉस 175 का लगाना है। तो दीज आर द बाइंग लेवल्स ऑफ डिफरेंट शेयर जी इंटरटेनमेंट, डिश टीवी, टीवी 18 एंड नेटवर्क 18। हमें फॉलो करिए टेलीग्राम चैनल्स, ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पे। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें और शेयर एनालिसिस जरूर करें। ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू दोस्तों।